नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। पत्रकार स्वरूप आए हैं और हम राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं, एक ज्ञापन देना चाहते हैं। जो दोषी हैं उन दोषियों में एक आध आदमी की गिरफ्तारी हुई है, शेष लोगों को और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा चीज़ कि आदरणीय नेता को जेल प्लस सुरक्षा दिया जाए। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनको सरकार चारों तरफ से मदद करे और ताकत दे ताकि फिर से कोई आरक्षण विरोध के नाम पर खड़ा ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, केंद्र में आप लोगों की सरकार है, आप ही लोगों को सड़क पे आना पड़ना है जेड प्लस के लिए। देखिए, सत्ता और संघर्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी पार्टी अंततः जरूर सरकार में है, लेकिन बिहार की सड़कों पर हमको प्रदर्शन में इसलिए आना पड़ा कि हम यहाँ सरकार में नहीं हैं। और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में यदि हमारे नेता के ऊपर हमले हुए हैं तो हम प्रतिकार में यह काम करेंगे। कब हमला हुआ, क्या हुआ? हमला हुआ था आरक्षण विरोध के नाम पर, जो जिस दिन बंदी हुई थी उस दिन हाजीपुर, उस दिन बंद के 10 तारीख को समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोका था, उनके साथ हाथापाई की थी, जबकि वो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भाग लेने जा रहे थे। क्या मांग करते हैं? आदरणीय नेता को जेड प्लस की सुरक्षा दिया जाए और आरक्षण विरोधियों जिन लोगों ने हमले किए हैं उनमें संपूर्ण रूप से उन पर ऊपर कार्रवाई किया जाए।